ये पूरी की पूरी कपास की फसल आप यहाँ पर देख रहे हैं। और ये जो चीज़ है ये पकने के बाद फट जाते हैं और फिर इसमें से निकलती है रुई। देखिए यहाँ पर ये एक फटा हुआ पीस मैं आपको दिखा देता हूँ, और इसमें देखिए ये रुई है। तो देखिए आज हम आ गए हैं एक ये कपास के खेत में। आप यहाँ पर देख रहे हैं मेरे पीछे ये जो पेड़ पौधे आपको नज़र आ रहे हैं, ये कपास की खेती है। कपास मतलब कि ये वो पेड़ हैं जिनमें से रुई निकलती है। और जितने भी कॉटन के कपड़े आजकल आप पहन रहे हैं या अपने आसपास देखते हैं, वो सभी इन पौधों की देन है। और ये जो कपास के ये फल हैं ये पकने के बाद फट जाते हैं और उसके बाद इसमें से रुई निकलती है। तो जो पके हुए कुछ फल हैं वो मैं आपको यहाँ दिखा देता हूँ। देखिए ये आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये बारिश की वजह से ये जो फसल है इसमें काफ़ी नुकसान हुआ है। बाकी ये है कि ये जो आप देख रहे हैं ये है रुई। देखिए जब ये सारी फसल पक जाएगी तो इसके फलों को तोड़ के अलग कर लिया जाएगा और उसको सुखाने के बाद इनके अंदर की जो रुई है उसको इकट्ठा कर लिया जाएगा। इसके अंदर एक बीज भी निकलता है और जो बीज होता है उसमें बहुत ज़्यादा प्रचुर मात्रा में कहें बसा पाई जाती है, जो कि पशुओं के लिए जो आहार है या चारा है उसके काम आती है। तो जो बीज हैं वो उस रूप में काम आ जाएंगे, जबकि ये जो फाइबर है या कहें कि जो रेशे हैं वो रुई के रूप में काम में आते हैं। और इन्हीं से जितने भी कॉटन के कपड़े आजकल आप पहनते हैं या देख रहे हैं वो सभी इसी पौधे की देन है। बस इतना ही आज की इस वीडियो में। आशा करते हैं वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए दोस्तों के साथ। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।